वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एसआर क्लासेस सिरसा। स्टूडेंट्स, हम जो नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे, जिसमें हमने भी सेल बायोलॉजी शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के लिए थे, और सेल बायोलॉजी में आपको बताया था 3 से 4 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो शुरू करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन इसके आज शुरू कर रहे हैं। जिसका स्टूडेंट्स नीट 26 जुलाई को है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है उसकी, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप नीट को क्लियर करो, और बायोलॉजी में भी मैक्सिमम नंबर अगर आप लोगे तो उतना ही आपके नीट में फायदा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सिंपल सा ही है, वर्कशीट है मेरे पास। एटीपी इज फॉर्म्ड इन, फर्स्ट क्वेश्चन आता एटीपी इज फॉर्म्ड इन, एटीपी कहां बनती। कई बार ना बड़े सिंपल क्वेश्चन भी नीट में पूछ लिए जाते हैं, और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो इतने सिंपल होंगे कि आप देखते कह दोगे यार ये तो बड़ा सिंपल सा पेपर है। ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन एटीपी इज फॉर्म्ड इन, आपको पता है एटीपी कहां बनती है, तो एटीपी फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी क्या होती है आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लास्ट लेक्चर में पूरा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड विद, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज Concerned with photo respiration। ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ग्लाइऑक्सीसोम्स, बी दिया हुआ है इसके अंदर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया डी दिया हुआ है लाइजोसोम्स। फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोरेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट्स आपको पता है, हमने ऑक्सीडेशन भी देखा था, ये सारे कहां पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम की बात करी थी, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंजाइम की बात करी थी, ये सारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फोटोरेस्पिरेशन स्टूडेंट्स कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखना नीट में एक क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया पे मिल जाता है बहुत बार, काफी बार ऐसा हुआ है एक क्वेश्चन डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया से ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच वन सेपरेट्स द माइटोकॉन्ड्रियल कोर फ्रॉम आउटसाइड, विच वन सेपरेट्स द माइटोकॉन्ड्रियल कोर, द माइटोकॉन्ड्रियल कोर फ्रॉम आउटसाइड। माइटोकॉन्ड्रियल कोर होती है, ठीक है, उससे उसको बाहर से कौन सी ऐसी चीज होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल कोर को अलग कर दी देती है, ठीक है, वो हमें इसके अंदर देखना है। तो इसमें ऑप्शन स्टूडेंट्स अपने को दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, दूसरा दिया हुआ है आउटर मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है या इनर मेम्ब्रेन है, ये कोर के अंदर होते हैं, कोर का भी हम पूरा डायग्राम इसके अंदर पढ़ लेंगे। आंसर इसका क्या आएगा, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कोर के
बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम फॉर क्रैब साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड। क्रैब साइकिल के लिए जो एंजाइम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहां लोकेटेड होता है, कौन सी जगह पे लोकेटेड होता है, वो इसके अंदर हमने देखा है। फर्स्ट ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑन द आउटर मेम्ब्रेन। बी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन इनर मेम्ब्रेन। सी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। देखिए स्टूडेंट, आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इनर जो कोर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें इनर मेम्ब्रेन भी आती है और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी होती है। बी एंड सी दोनों ऑप्शन आएंगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा। ये याद रखने की चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट होता है क्रैब साइकिल वाला, और जो दूसरा आपका इनर मेम्ब्रेन है उसमें भी एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटीएस इज कंपोनेंट ऑफ ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके अंदर होता है, सीधी सी बात है, ऑप्शन दिया हुआ है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेंट्रियोल। आंसर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन चेंजेस के अंदर बनती है ट्रांसपोर्ट की, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटीएस वाला जो नेक्स्ट है ये बहुत बार नीट के अंदर पूछा जा चुका है, आपके पीएमटी एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिख रहा हूं मैं, मेम्ब्रेन बाउंड क्रैब साइकिल एंजाइम इज ए फ्यूमरेज। बी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, सिस एकोनाइटेस। सी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, सक्सीन। डी हाइड्रोजनेस। और डी ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, मेलेट ऑक्साइड्रोजनेस। तो स्टूडेंट, जो इसका ऑप्शन जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड क्रैब साइकिल एंजाइम कौन सा होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो क्रैब साइकिल एंजाइम होता है वो आपका फिरामेज नहीं होता, सिस एकोनाइटेस है ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड कौन सा, सिक्सटीन डीहाइड्रोजिनेस। कौन सा आएगा इसके अंदर, सक्सीन डीहाइड्रोजनेस जो इसका आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपने इसको याद रखना है। आप इसका इसी तरह से याद रखो, क्रेब्स साइकिल मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम कौन सा होता है? सक्सेशन डीहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में सेंटर ऑफ द फॉस्फोराइलेशन, सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का सेंटर कौन सा होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहले एग्जाम होता था आर्मी के लिए, अब तो पूरा एनडीए के अंदर आ गया सारा। पहले एफएमसी आर्मी के अंदर एमबीबीएस के लिए एग्जाम होता था, उसमें बहुत बार पूछा गया। एम्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम बी जो दिया हुआ है, राइबोसोम सी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीसोम और डी दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स का आपका आंसर आता है ऑक्सीसोम। फोटोफॉस्फोराइलेशन का सेंटर कौन होता है? ऑक्सीसोम में होता है। ऑक्सीसोम की डेफिनेशन आपने मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजनी है, ऑक्सीसोम होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वॉज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल, मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन एनेबलिंग टू डिटरमाइन, एनेबलिंग अस टू डिटरमाइन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा जिसकी डेवलपमेंट हुई, जिसके अंदर कुछ चेंजेस आए, जिसके अंदर सुधार हुआ, जो बहुत फायदेमंद था माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए? तो स्टूडेंट्स फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अलग अलग कलर के अलग अलग कॉन्ट्रास्ट उसके अंदर बनते हैं। अभी हम लाइफ साइंस के लेक्चर शुरू करेंगे बीएससी और एमएससी के, उसमें ये फेज कॉन्ट्रास्ट पूरा एक्सप्लेन किया होगा। नेक्स्ट 5-6 डेज में ही लेक्चर शुरू कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोस्कोपी। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसका आंसर आएगा। आपने सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े हैं, इसका आंसर कौन सा आएगा? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्लांट सेल, द फर्स्ट प्लांट सेल इन विच, ये बुक के तो याद रखने की चीज है, इन विच द माइटोकॉन्ड्रिया वर ऑब्जॉर्ब, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर देखी गई, इनमें से कौन से प्लांट के अंदर देखी गई? ए ऑप्शन है लीली, बी है निम्फिया, सी दिया हुआ है नेरियम, डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स याद रख लेना, निम्फिया के अंदर फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया देखी गई थी। प्लांट कौन सा था? निम्फिया प्लांट जो था उसके अंदर फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल, प्लांट सेल है निम्फिया की, उसमें फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया देखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू यूटिलाइजेबल फॉर्म अकर्स इन,
केमिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइजेशन फॉर्म के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट होती है, रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। केमिकल एनर्जी कहां पे, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज कौन सी है, केमिकल एनर्जी है। सोलर एनर्जी से क्या बनी, केमिकल एनर्जी बनी। केमिकल एनर्जी जो है वो क्या बनेगी बाद में, एटीपी बनेगी। एटीपी कहां बनती है, क्वेश्चन पेपर में लिख देता हूं यहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इंटू यूटिलाइजेबल फॉर्म अकर्स इन, मतलब केमिकल एनर्जी यूटिलाइजेबल एनर्जी में कहां पे बनती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी बनती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, केमिकल एनर्जी एटीपी बनती है, ये कौन सा आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एटीपी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिंपल सी बात है, किसके अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसका आंसर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बनती है। फ्रेंड्स याद रखने की चीजें, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं और आपसे सिंपल ही पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया आर येलोइश ड्यू टू येलो कलर किसके कारण होता है। तो इनके अंदर स्टूडेंट्स राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इट्स आउटर मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया था जो कोर होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कोर में नहीं आती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बिना आउटर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कॉल्ड इज, क्या कहते हैं उसको, बोला जाता है स्टूडेंट माइटो, क्या बोला जाता है, माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट इट्स आउटर मेम्ब्रेन, बिना आउटर मेम्ब्रेन के माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोप्लास्ट बोला जाता है, याद रख लेना, क्या बोला जाता है, माइटोप्लास्ट। इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो है परसेंटेज ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, परसेंटेज, याद रखने की चीजें हैं, परसेंटेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन द सेल्स इज, देखिएगा स्टूडेंट्स आपको एक बात बताई थी, सेल है, एक सेल के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है एक, तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है उनके पास उनके खुद का डीएनए होता है, वो उनका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, तो जो सेल का डीएनए वो कौन सा, सेलुलर डीएनए है। तो परसेंटेज कितनी होगी, जो टोटल सेल का जो सेलुलर डीएनए है उसका कितना परसेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए परसेंट है उसको टोटल देखें तो कितना परसेंट होता है, तो स्टूडेंट सेलुलर डीएनए का 1% होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दिमाग में बात ये छपा लेना, अच्छे से इसको छाप कर रख लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना, टोटल का कितना होता है, 1% होता है। डीएनए पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए होता है वो टोटल सेलुलर डीएनए का 1% होता है, कितना होता है, 1%। अब ये भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और जो सेलुलर डीएनए उसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, विच इज एबसेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, डिफरेंस क्या है, विच इज एबसेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक्शन क्या होता है? फर्स्ट है बेसिक स्टोन प्रोटीन्स, बी ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स एसिडिक प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, सी स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन दिया हुआ अपने को प्रोटीन्स, डी दिया हुआ ऑल ऑफ दीज फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है आपको पता है जो सेलुलर डीएनए है वो बाउंड होता है एक बाद में एक स्ट्रक्चर बना देता है जब आप रेप्लिकेशन फोटो उसके अंदर हम देखेंगे एक मतलब स्टोन प्रोटीन बाहर उसके अंदर लिपटा होता है स्टोन के ऊपर से एक कर्व बना लेता है जो डीएनए होता है सेलुलर डीएनए पैकेजिंग ऑफ डीएनए उसको बोलते हैं तो स्टोन प्रोटीन होता है सेलुलर डीएनए में और वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में नहीं होता तो इसका ए ऑप्शन आएगा स्टोन प्रोटीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता क्या नहीं होता स्टोन प्रोटीन बाकी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है आरएनए भी प्रेजेंट होता है एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और अपना राइबोसोम भी होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी सी बात अब माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन लगभग हो गए अब जो क्वेश्चन आ गए वो क्लोरोप्लास्ट की तरफ चले गए क्लोरोप्लास्ट आपको पता है फोटोसिंथेसिस की मेन साइट है तो द टर्म थैलोकोइड वाज कॉइन्ड बाय द टर्म थैलाकोइड वाज कॉइन्ड बाय थैलोकोइड टर्म किसने दी थी तो थैलोकोइड टर्म स्टूडेंट्स मेंके ने दी थी किसने दी थी मेंके याद रखने की चीजें हैं जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की थी रॉबर्ट हुक ने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी फर्स्ट एनिमल सेल था जो लिविंग था वो किसकी डिस्कवरी किसने थी एंटोन वॉन लेवेनहुक ने की थी उसी टाइप से प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी पुर्किंजे ने की थी ठीक है उसी टाइप से अगर हम बात करें तो थैलोकोइड की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी मेंके ने ये आपने याद रखना है दूसरा प्लास्टिड द टर्म प्लास्टिड वाज कॉइन बाय प्लास्टिड किसने कॉइन की थी ये स्टूडेंट्स हेकल याद रखेगा प्लास्टिड जो टर्म कॉइन की थी वो की थी हेकल ने और जो थैलोकोइड है ये की थी मेंके ने ये दोनों हम याद आप रखना नेक्स्ट प्लास्टिड थायरॉइड क्लोरोप्लास्ट इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कप सेपेड क्लोरोप्लास्ट is found in cup shaped chloroplast किसमें मिलते हैं ए ऑप्शन दिया हुआ है स्पाइर वगैरह एल्गी है ना बी ऑप्शन दिया हुआ है क्लेमाइटोमोनास सी ऑप्शन दिया हुआ है यूलोथ्रिक्स डी दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज तो क्लेमाइटोमोनास के अंदर फ्रेंड्स कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्लेमाइटोमोनास को आप अच्छे से स्टडी करना कप शेप किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लेमाइटोमोनास के सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू एटीपी बाय सोलर एनर्जी किसके द्वारा एटीपी में कन्वर्ट होता है कहां पे होता है फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा है इनके अंदर से ऑप्शन दिया हुआ आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रोक्सीसोम राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बाकी छोड़ दो ये दो याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया लिखा था एटीपी फॉर्मेशन हो रही है पर वहां पे केमिकल एनर्जी था
यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी है, मतलब हम किसकी बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, पूरे प्रोसेस की बात करें, फोटोसिंथेसिस से केमिकल एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। तो शुरुआत कौन करवा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा। यहाँ पे अगर केमिकल एनर्जी लिखा होगा फिर क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका फिर उसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सोलर एनर्जी जो है वो मतलब फोटोसिंथेसिस में ही होता है ना, ग्रीन कार्ड नहीं है, आपको क्लोरोफिल वगैरह का सारा ऑप्शन याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, थाइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैलेपोइड्स आर फाउंड कॉमनली इन द प्लास्टिड्स ऑफ, कॉमनली थैलेपोइड किन प्लांट के प्लास्टिड के अंदर मिलता है। ऑप्शन स्टूडेंट्स यहां पे जो दिए हुए हैं वो बैक्टीरिया नहीं होता यहां पे कोई, ब्लू ग्रीन एलगी हायर प्लांट एंड ऑल ऑफ दीज, तो ब्लू ग्रीन एलगी में भी नहीं होती प्लास्टिक। तो किन किन प्लास्टिक में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी, ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं होता, ब्लू ग्रीन एलगी में भी नहीं होता। तो जो हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इनकी प्लास्टिक के अंदर फ्रेंड से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक में क्या होते हैं, थायलोकोइड, थायलोकोइड किसके अंदर होते हैं प्लास्टिक में, किन की हायर प्लांट, किनके अंदर होते हैं, हायर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मे बी ऑफ, क्रोमोप्लास्ट मे बी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑरेंज कलर, बी ऑप्शन दिया हुआ है रेड कलर, सी ऑप्शन दिया हुआ है येलो कलर, डी ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर ऑरेंज कलर भी होता है, रेड भी होता है और येलो कलर भी होता है। आपने क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वो पढ़े हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च इन क्लोरोप्लास्ट इज, स्टार्च इन क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो किस प्रकार का स्टार्च होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एसिमिलेटरी स्टार्च, रिजर्व स्टार्च, स्टोरेज स्टार्च एंड स्ट्रक्चरल स्टार्च। स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो होता है एसिमिलेटरी स्टार्च। एसिमिलेटरी क्यों होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, आगे फैलना। तो यहां से स्टार्च जो होता है वो असिमिलेट होता है अलग अलग पार्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा होता है, एसिमिलेटरी स्टार्च होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये सारे क्वेश्चन आज आपने देखने हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।